हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन फाइन. सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5. आवर सब्जेक्ट इज मैथ्स. चैप्टर नंबर 5, सब्ट्रैक्शन अप टू 50. ओके, एडिशन मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को एडिशन बताए थे. आज मैं आप सभी को सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते वो बताऊंगी. सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जब भी हमारे पास बहुत सारी थिंग्स होती है, बट उनमें से कुछ थिंग्स, सपोज हमारे पास कुछ एप्पल्स हैं. अब वो एप्पल्स हमने 2 डेज तक हमारे घर में रखे हैं, हमने उनको ईट नहीं किया है, और उनमें से कुछ एप्पल्स हमारे ख़राब हो जाते हैं या वो से हो जाते हैं कि जिनको हम ईट नहीं कर पाते. तो फिर उसमें से जो भी एप्पल्स होते हैं हमारे, उसमें से जो भी ख़राब हो जाते हैं वो एप्पल्स को हम निकाल देते हैं. तो उनके पास वो कितनी चीज़ें हमारे पास बचती हैं वो होता है सब्ट्रैक्शन. कोई भी थिंग्स से वो कम हो जाती है. ऐसे देखिए, यहाँ आप सभी को एक बॉय दिख रहा है, वहाँ उस बॉय के पास 8 बनानास है. यहाँ राइट क्या हुआ है, 8 बनानास. ओके, द बॉय एट 1 बनाना. अब 8 बनानास थे, 8 बनाना में से 1 बनाना जो बॉय था उसने एट कर लिया है ना, खा लिया है. अब हमारे पास कितने बचे, 7 लेफ्ट, क्योंकि 8 थे, 8 में से 1 बॉय ने एट कर लिया है, तो हमारे पास कितने बचे, 7. तो ये होता है सब्ट्रैक्शन. देखिए नेक्स्ट में कितने, हाउ मेनी बनाना, 7. 7 बनानास हमारे पास. अब 2 बनानास ईट कर लिए हमने, तो कितने बचे हैं, 5 बनानास. अब ये सभी मैं आप सभी को थिंग्स में भी बता रही हूँ, फिंगर्स पे हम कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी. अब यहाँ हमारे पास 6 बनानास है, 6 बनाना में से 3 ऐड कर लिए, तो हमारे पास कितने बचे हैं, 3. तो ये होता है सब्ट्रैक्शन. देखिए अब यहाँ भी आता है, राइट द सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओके, देखिए यहाँ सर्कल से 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्कल से, 7 में से हमने 2 कट कर दिए है ना, 2 हमने यूज़ कर लिए, तो हमारे पास लेफ्ट कितने लेफ्ट है, हाउ मेनी लेफ्ट, 1 2 3 4 5. सो आंसर विल बी 5. अब यहाँ आइसक्रीम से 1 2 3 4 5 6, 6 आइसक्रीम्स थी हमारे पास. ये कट करने वाला स्टार्टिंग हमको फर्स्ट वाले नंबर में, तो सभी को काउंट करना पड़ेगा. ये हमारे 6 आइसक्रीम्स है, यहाँ हमने 6 राइट किया. अब इसमें से कितनी आइसक्रीम हमने ऐड कर ली है, क्रॉस वाली कितनी आइसक्रीम से, 1 2 3, यहाँ हमने 3 राइट किया. अब जो विदाउट क्रॉस से, मीन्स हमारे पास जो भी है, 1 2 3, तो यहाँ हमने क्या राइट किया, 3. ऐसे इन दोनों में भी सेम थिंग्स होगी. अब है यहाँ पर कि कुछ नंबर्स दिए होंगे, आप सभी की बुक में होगा या आपको कंप्लीट करना होगा, कि 8 में से अगर 1, यहाँ टोटल्स 8 एक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक से, 8 एक में से 1 अगर हमने इट कर लिया तो कितना बचा, 7 है. तो ये सब इसी प्रोसेस में आप सभी के होंगे. ओके, नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन का साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का साइन कैसा होता है. जब मैंने एडिशन का आप सभी को प्लस वाला साइन बताया था, ये माइनस वाला साइन सब्ट्रैक्शन का होता है. यहाँ भी सेम प्रोसेस होती है कि अपर नंबर होता है, डाउन नंबर होता है. और यहाँ एडिशन में भी हमने एडिशन से कुछ कुछ प्रोसेस हमारी सेम रहेगी यहाँ भी, कि जो अपर साइड वाला नंबर है उसको हम वैसा ही रहने देंगे. हमेशा हमको डाउन साइड वाले नंबर को ही याद रखना है, अपर वाले नंबर को नहीं, डाउन साइड वाले नंबर को ही याद रखना है. ओके, सबसे पहले हो गया साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का साइन कैसा होता है, और सब्ट्रैक्शन में भी अपर नंबर होता है और डाउन साइड वाला नंबर होता है. ओके, सेम हैंड्स फिंगर पे जो बॉक्सेस होते हैं वो बॉक्सेस काउंट करना होते हैं हम सभी को. यहाँ है ये सारे, ये जहाँ जो लाइनिंग है ना, ये 1-1 बॉक्स कंप्लीट हो जाता है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14. हमारा जो थंब होता है वहाँ 2 बॉक्सेस होते हैं. ओके, तो ये हो गए हमारे बॉक्स. अब सेम प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे. तो हमारा फर्स्ट नंबर है 6 सब्ट्रैक्शन 1. ओके, 6 और 1 को कैसे करेंगे, जैसे हमने एडिशन में किया था कि हमारा फर्स्ट वाला नंबर हमने छोड़ दिया था. ओके, नेक्स्ट वाला नंबर है हमारा 1, तो हम
वन बॉक्स काउंट कर लेंगे, है ना। अब वन यहाँ बॉक्स काउंट नहीं करना पड़ेगा, अब वन हमारा जो डाउन साइड वाला नंबर होगा उसके बाद से काउंटिंग करेंगे, है ना। जैसे हमने एडिशन में क्या किया था, हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर था उसके बाद से काउंटिंग करी थी तो हमारा टोटल आ गया था। बट यहाँ हमको जस्ट इसका अपोजिट करना है कि जो हमारा डाउन साइड वाला नंबर है ना उसके बाद से नंबर काउंटिंग करनी है जब तक हमारा फर्स्ट वाला नंबर नहीं आ जाता। डाउन साइड वाले नंबर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तब तक काउंटिंग करेंगे जब तक हमारा जो अपर साइड वाला नंबर होगा, अपर नंबर होगा, वो नहीं आ जाता। तो हमारा सम था 6 माइनस 1, है ना। तो अब 6 1 है तो 1 के बाद से काउंटिंग करेंगे जब तक हमारा 6 नहीं आ जाता। तो 1 के बाद 2 3 4 5 6, यहाँ है हमारा 6। अब 6 आने के बाद कितने बॉक्स आए हमारे पास, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी बॉक्स, 5। सो आंसर विल बी 5। देखो ये 6 अपर साइड वाला नंबर है, 1 डाउन साइड वाला नंबर है, तो इस डाउन साइड वाला नंबर है ना उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जब तक काउंटिंग करनी है जब तक हमारा अपर साइड वाला नंबर नहीं आ जाता। जब तक हमारा अपर साइड वाला नंबर नहीं आता हमको काउंटिंग करते रहना है, और काउंटिंग करने के बाद जब अपर साइड वाला नंबर आ जाएगा तो वहाँ हम स्टॉप कर देंगे हमारी काउंटिंग, और जितने बॉक्स हमारे पास लेफ्ट होंगे बॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा 4 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 में क्या रहेगा, 5 माइनस 4 में क्या रहेगा कि हमारा जो 5 अपर साइड वाला नंबर 5 है और डाउन साइड वाला नंबर 4 है, तो 4 हमारा जो डाउन साइड वाला, तो 5 और 4 नंबर है, तो 5 के हमारा अपर साइड वाला नंबर 5 है और डाउन साइड वाला नंबर 4 है, तो 4 आफ्टर काउंटिंग करेंगे। हमेशा सब्ट्रैक्शन में जो हमारा डाउन साइड वाला नंबर रहेगा डाउन साइड वाले के बाद से हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे जब तक हमारा अपर साइड वाला नंबर नहीं आ जाता। हमारी काउंटिंग वहाँ तक रहेगी जब तक हमारा फर्स्ट वाला नंबर नहीं आ जाता। तो 4 और 5 में से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 4 आफ्टर काउंटिंग 4 देन 5, हो गया कंप्लीट 5। तो हाउ मेनी बॉक्सेस लेफ्ट, 1। सो आंसर विल बी 1। ओके नेक्स्ट हमारा 9 एंड 6। ओके सो 9 एंड 6, अपर साइड नंबर 9 एंड डाउन साइड नंबर 6, सो आवर काउंटिंग इज 6 आफ्टर 6 डाउन साइड नंबर 6 6 7 8 9, हाउ मेनी बॉक्स, 7 8 9, तो कितने बॉक्सेस पे आया है, 1 2 3, सो आंसर विल बी 3। इसी प्रोसेस में आप सभी को करना है। ओके नेक्स्ट हमारा नंबर होता है कि 4 होता है, तो 4 में होता है कि 4 और 4 जब भी सेम डिजिट होंगे, सेम डिजिट में अगर हम सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस कर रही है तो वहाँ 0 आएगा, वो कैसे आएगा मैं आप सभी को बताती हूँ कि 4 और 4 हमारा अपर साइड वाला नंबर था 4 और डाउन साइड वाला नंबर भी क्या होगा 4, तो हम 4 के आफ्टर काउंटिंग नहीं कर सकते। 4 के बाद अगर हम काउंटिंग करेंगे, अगर नंबर्स हमारे पास आगे होंगे तो काउंटिंग करेंगे। अगर हम 4 काउंट करते हैं 4 के बाद से काउंटिंग करते कि जब तक 4 नहीं आ जाता, तो हमको 1 से 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं। जैसे आपके हैंड्स में 2 चॉकलेट्स हैं और दोनों चॉकलेट्स को आपने इट कर लिया है, तब आपके पास क्या बचा है, 0। तो ऐसे सेम डिजिट वाले अगर सब्ट्रैक्शन में होता है तो आंसर हमेशा 0 ही होता है। ओके तो ये सारे जो अदर सम्स है वो आपको सेम प्रोसेस से करने हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको भी बताती हूँ कि 0 की वैल्यूज क्या होती है। 0 होता है जो कि एक नील डिजिट होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट 0 किसी भी डिजिट के साथ जब ऐड हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। बट यहाँ हमारे सब्ट्रैक्शन में होगा कि 0 जब हमारे सेम डिजिट मिल जाएंगे तो आंसर 0 होगा, बट अगर 1 डिजिट है और सेकेंड डिजिट 0 है तो आंसर एज इट इज रहेगा। वो क्यों रहेगा, देखिए हमारे पास 2 पेंसिल्स हैं। अब 2 पेंसिल्स हैं और सेकेंड वाले हैंड में 0 कुछ भी नहीं है,
तो ना हमने उस पेंसिल्स को यूज़ किया ही नहीं है, तो हमारे पास वो वही रहेंगी। अब उसमें से अगर अगर वन पेंसिल किसी और को दे देते तो हमारे पास वन ही रहती, बट हमने किसी को दी भी नहीं है और ना हमने उसको कुछ यूज़ किया है, तो हमारे पास एज इट इज़ वो टू पेंसिल ही रहेगी। तो जीरो के साथ भी अगर हम किसी डिजिट को ऐड करते हैं सबट्रैक्शन में तो सेम आंसर आता है, और अगर सेम टू डिजिट सबट्रैक्शन में होते तो आंसर जीरो ही होता है। ओके, नेक्स्ट आता है सबट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट्स। टू डिजिट वाले सबट्रैक्शन हमको कैसे करना है, वही टेंस वंस वाली प्रोसेस होती है इसमें भी, कि टेंस में जो भी 10 थिंग्स मिलती है तो उनका एक बंडल बन जाता है और टेंस वंस वाली पोजीशन आ जाती है। यहाँ है सबट्रैक्शन 4 फ्रॉम 15, लेट अस राइट द नंबर वर्टिकल, 15 कैन बी रिटर्न एज टेंस, 1 10 एंड 5 वंस इन वंस प्लेस इन 15, वी हैव 5 सबट्रैक्शन 4 4 5, वी गेट 1 राइट 1 इन द वंस प्लेस। द नंबर 15 हैज़ 1 इन द टेंस प्लेस, द नंबर 4 डज नॉट हैव एनी नंबर्स इन द टेंस प्लेस, दैट इज 0 सबट्रैक्शन 0 फ्रॉम 1, वी गेट 1 राइट 1 इन द टेंस प्लेसेस, देयर फोर 15 माइनस 4 11। देखिए अब यहाँ 15 है, 15 में से हम इसको सिंगल सिंगल सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर्स को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे 5 5 4 4 5 4 के बाद से काउंटिंग करनी जब तक हमारा 5 नहीं आ जाता, तो 4 5 1 आंसर विल बी 1। अब 1 और डाउन साइड में 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 1 हमको एज इट इज राइट करना है। ओके, अब जैसे हमने एडिशन को 2 1 1 डिजिट किया था, ऐसे 2 डिजिट में यहाँ सबट्रैक्शन को भी हमको सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। देर आर 6 बर्ड ऑन अ ट्री, 2 बर्ड्स फ्लाई अवे, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर नाउ। देर आर 6 बर्ड ऑन अ ट्री, जो एक ट्री दिख रहा है यहाँ पे, कितने बर्ड्स है, 6 बर्ड्स है। 2 बर्ड्स फ्लाई, अब 2 बर्ड्स फ्लाई कर दिए तो 2 बर्ड्स वहाँ से चले गए, तो अब कितने बर्ड्स बचे, तो 2 के बाद से काउंटिंग करो, 2 तो चले ही गए ना, अब 2 के बाद से हम काउंटिंग करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक कि हमारा 6 नहीं आ जाता, तो 2 के बाद से वही फिंगर्स पे काउंट करेंगे, बॉक्सेस 3 4 5 6, 6 बॉक्स काउंट करें, हाउ मेनी नंबर, अब जो हमने बॉक्स काउंट करें बॉक्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4, सो आंसर विल बी 4। और प्रैक्टिकली भी आप इस चीज को देखो तो कोई ट्री है वहाँ 6 बर्ड्स बैठे हुए थे, 2 बर्ड्स वहाँ से फ्लाई कर गए, तो वहाँ कितने होंगे, आप सभी ऐसे प्रैक्टिकली काउंट करोगे तो भी 4 होंगे। ओके, देयर आर 9 फ्रॉग्स इन द पोन्ड, 4 फ्रॉग्स लीव द पोन्ड, हाउ मेनी फ्रॉग्स आर देयर नाउ। 9 फ्रॉग्स थे एक पोन्ड में, जिसमें से 4 4 फ्रॉग्स ने लीव कर लिया, वो वहाँ से चले गए, तो 4 के बाद से काउंटिंग कर लो, 5 6 7, 4 फ्रॉक्स वहाँ से चले गए हैं, तो कितने बचे हैं, 4 के बाद से काउंट करेंगे, 5 6 7 8 9, सो आंसर विल बी 5, हाउ मेनी बॉक्सेस, 5। ओके, अगर हम देखेंगे कि पोंड में 9 9 फ्रॉक्स है, अगर 4 वहाँ से चले गए तो आप सब भी काउंट कर सकते हैं पिक्चर में, 1 2 3 4 5, सो आंसर विल बी 5। ओके, आउट ऑफ 25 लीटर ऑफ वाटर इन अ बकेट, एक बकेट है वहाँ 25 लीटर वाटर है, 12 लीटर इज यूज फॉर वॉशिंग, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिमेनिंग। 25 लीटर्स एक बकेट में, 25 लीटर्स वाटर है, 25 लीटर वाटर के बाद हमने 12 लीटर्स को यूज़ कर लिया है, 25 में से 12 लीटर्स को हमने यूज़ कर लिया है, तब कितना बचा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इन अ रिमेनिंग, कितना हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है, मीनिंग बचा हुआ हमारे पास है, तो पहले वंस वंस को आप कर लो और फिर टेंस टेंस को कर लो। ओके, तो 5 माइनस 2, 2 के बाद से काउंट करो, 3 4 5, 3 बॉक्सेस, और 2 माइनस 1 1 बॉक्सेस, सो आवर चैप्टर इज सबट्रैक्शन इज कंप्लीटेड। सो जैसे हमने एडिशन को फिंगर्स पे काउंट किया था, सबट्रैक्शन में भी सेम थोड़ा सा प्रोसेस चेंज रहती है, बट आप इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे सो
आप सभी को बहुत इजी वे में सब प्रेक्षण और एडिशन कंप्लीटेड हो जाएंगे. ओके, अब चैप्टर इज कंप्लीट.